हालात की जानकारी देने के लिए हम आपको पश्चिम मुंबई के उस इलाके में ले जा रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता रिंकी सिंह। रिंकी, क्या हालात है वहां पर और क्या चल रहा है, कैसे हुआ ये सब? रिंकी, रिंकी या अंजलि, या अंजलि, हम यहां पानी की समस्या का कवरेज करने आए थे कि ये सामने ये गली देख रहे हैं आप, इस गली से दो मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने हेलमेट पहन रखी थी और आते ही पिछली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने हम पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। हमारी पूरी टीम फौरन चैनल के वैन में दाखिल हो गई। वैन पर आप गोलियों के निशान साफ साफ देख सकते हैं। हाँ रिंकी, हम भी देख सकते हैं और दर्शक भी देख सकते हैं। रिंकी, हमें बताइए कि मिस्टर जगदीश अब कैसे हैं? अंजलि, अंजलि, मैं आपको बता दूं कि उन्हें इस वक्त हॉस्पिटल में ले जाया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से चैनल एक्स को फोन पर धमकियां मिल रही हैं, हमें कई ईमेल्स भी मिले हैं और हम आप अरे आई आई है जयकिशन साहब, कैसे आना हुआ मेरे मालिक, कैसे आना हुआ है? How are you? First class, first class. क्या चेक कर रहे हो भाई? अरे भाई कोई हिडन कैमरा वैमरा तो नहीं है? लास्ट टाइम ले आया था। पता चल गया होगा कि आपके राज में आपके दोस्तों का क्या हाल है। हाँ भाई, पता भी चल गया और मैंने सुन भी लिया है। बट यू डोंट वरी, मैंने वायरलेस में मैसेज दे दिया है, पुलिस चौकनी हो गई है, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे वो लोग। वैसे ये बात कहने के लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, फोन कर दिया होता। जी, मैं अपने गन के लाइसेंस के लिए आया हूँ, आई होप रिन्यू हो चुका होगा। ताना क्यों मार रहे हो यार? रिन्यू हो गया, मिल जाएगा। अच्छा, तुम तो मूसा के पीछे हाथों के पड़ गए हो यार। देख लो, तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि पंगे लेने की आदत है तुम्हें? कॉलेज के जमाने से देख रहा हूँ तुम्हें, उस वक्त कॉलेज का मैनेजमेंट तुमसे परेशान था और आज मूसा। तो क्या ये अंडरवर्ल्ड वाले मेरे साथ यूं ही दिवाली मनाते रहेंगे कि तुमने कुछ सोचा है? हम लोग हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे जयकिशन। देखो सिंगल साहब, मेरे चैनल का नाम है एक्स, उसे एक्स वाई जेड समझ के ट्रीट मत करना, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारा भी टेप चलाना पड़ेगा। अच्छा। चला दो यार, चला दो, दोस्तों के हाथों कत्ल होने का अपना मजा है। ओहो, क्या बात है। वैसे जयकिशन साहब, इस केस के लिए मैंने एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट किया है जो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, नासिक पुलिस ट्रेनिंग में मेरे अंडर था। क्या? अंडरवर्ल्ड का खास दुश्मन है और आज तक उसने जितने भी एनकाउंटर्स किए ना, वो सारे के सारे तुम्हारा प्रोग्राम मोस्ट वांटेड देखने के बाद किए हैं। देखने में बहुत सख्त है बट इज ए नाइस मैन। क्या नाम है उसका? सर। देशमुख सर। अरे बस 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 बस, बस। ये हैं इंस्पेक्टर देशमुख और आप हैं सीईओ ऑफ चैनल एक्स। सर, इन्हें कौन नहीं जानता। सर, आपके चैनल का कैप्शन मुझे बहुत पसंद है, चैनल एक्स की भाषा सच की परिभाषा। यू हैव समथिंग? यस, ग्रीन। ओह, ग्रीन टी। सर, मैं बनाता हूँ, माय प्लीज। ओके, थैंक यू। कम, कॉलेज के जमाने से जानता हूँ तुम्हें कि तुम्हें ग्रीन टी बहुत पसंद है। वैसे जयकिशन, मैंने देशमुख को समझा दिया, वो सब संभाल लेगा, बहुत काबिल अफसर है। सर, ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए क्या मिस्टर शरॉफ से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर, हमें पता है कि आपको मारने की धमकी मिली है, आपके चैनल को उड़ा देने की बातें कही गई हैं, हमने जितने भी कॉल्स ट्रेस किए हैं सब के सब आउट ऑफ इंडिया से हैं, दुबई, मलेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया से। फिर आपका चैनल ये दावा कैसे कर सकता है कि मूसा इंडिया में बैठकर ये सब काम कर रहा है? इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हमने इस काम के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया है। हमें बाबा खान का आदमी मूसा को एक्सपोज करना है, जिसके लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। मुझे ये बात उन्हीं के जरिए पता चली। कुछ साल पहले आपके चैनल ने एक सेक्स स्कैंडल को एक्सपोज किया था और बाद में पता चला कि वो सेक्स स्कैंडल फेक था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैं उस बात को लेकर आज तक शर्मिंदा हूं। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि जब तक कोई भी स्कैंडल या कहानी
हमारी कसौटी पर खरा ना लगे, हम उसे जनता के सामने नहीं लाएंगे। शराफ साहब, आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो आपके चैनल एक्स के प्रोग्राम मिशन मोस्ट वांटेड की वजह से मिल रही हैं। कहीं मूसा की डर की वजह से आप मूसा या अंडरवर्ल्ड के डर से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने गन के लाइसेंस के लिए आया हूँ, और वैसे भी मुंबई पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है। कमिश्नर साहब मेरे दोस्त हैं, तो मुझे किस बात का डर। वैसे मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे सिक्योरिटी के साथ साथ मेरे सारे संवाददाताओं को भी एक सिक्योरिटी कवर दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। भाई तुम मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दो, मैं होम मिनिस्टर के पास भेज दूंगा। इट विल बी डन। ठीक है, नाउ एंजॉय योर ग्रीन। थैंक यू। थैंक यू। हैदर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। मैं अपनी फैमिली के साथ वीकेंड के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं सर? पता नहीं, जहाँ फैमिली ले जाए। जाना पड़ेगा। और आप वहाँ से वापस कब तक आएंगे? यार तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ या तुम मेरे बॉस हो? जी बॉस तो आप ही हैं, लेकिन वो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं ना। अरे हाँ, आज की जितने अपॉइंटमेंट्स हैं वो 5 बजे के पहले, बाकी मंडे को। और वो मिनिस्टर के कान की टेप, वो एडिट हुआ क्या? जी ठीक है। एक प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन कमिश्नर ए के सिंगल साहब के लिए रेडी रखना। आपके प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन? नहीं नहीं, मैं अपने प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चैनल और उन सारे रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 1 घंटे में आ रहा ऑफिस। ओके बाय। हेलो डॉक्टर साहिबा। हेलो। हाउ वाज द ऑपरेशन? एज यूजुअल सक्सेसफुल। कमाल की विल पावर थी उस 65 ईयर ओल्ड लेडी ने। डार्लिंग, शी रियली पुल्ड इट ऑफ। तुम्हारा हाथ अगर बंद दिल पर भी रख देना तो वो भी धड़कना शुरू हो जाएगा। वैसे आपको इतना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बता कि वीकेंड के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? आपने क्या प्लान किया है? Well, प्लान हमने नहीं तो? हमारी प्यारी सी ननन ने किया है। ओ। और आप हमसे ये उम्मीद मत रखिए कि हम आपको बताएंगे। अच्छा? It's a surprise. साहब नाश्ता तैयार है। सरप्राइज? हाँ, ये सरप्राइज सिर्फ नेहा का या रोहन का भी है? Well, that's also surprise. अच्छा राधा, नेहा और रोहन एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। रोहन का बिजनेस भी अच्छा है और वो उसे प्यार भी बहुत करता है। वो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं आप। वैसे नेहा है कहाँ? जानिया तेरी हंसी अदा हो गया मैं जिस पे फिदा। जानिया तेरी हंसी अदा हो गया मैं जिस पे फिदा। अब मुझे ना होश ना खबर, तू ही तू चारों पहर। मुझे हर हम दिल की मेरे यही सदा। तोबा कभी वो दिन ना देखूं मैं सनम जब कहना हो अलविदा। जानिया तेरी हंसी अदा हो गया मैं जिस पे फिदा। अब मुझे ना होश ना खबर, तू ही तू है चारों पहर। माहिया क्या जादू है किया, चुनिया तूने मेरा जिया। धड़कनों पे तेरा असर, हर तरफ तू आए नजर। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो।
पिछले महीने से सुन रही हूँ, बहुत जल्द कर लेंगे शादी। हाँ ठीक ही तो कहा मैंने, ऐसे शादी नहीं होती। शादी के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को मेरे घर आकर मेरे भैया भाभी से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। ओह रोहन, I'm really sorry. It's okay, नेहा, मेरे मम्मी डैडी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, लंदन में मेरी दीदी तो है। चलो मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी दीदी की वजह से हूँ। मैं अभी उनसे कहता हूँ कि वो यहाँ आकर हमारी शादी की बात करें। हाँ दीदी। रोहन। दीदी मैं ठीक हूँ। मुझे भी दीदी से बात करनी है। आप कैसी हैं? रोहन। क्या? रोहन, give me the phone. Let's talk. नहीं दीदी, नेहा है। एक्चुअली वो जानना चाहती है आप शादी की बात करने कब आ रही है। हाँ दीदी। अच्छा मुझे फोन दो। ओके दीदी, इट्स ओके। रोहन। मैं आपको फोन करता हूँ। बाय। क्या कहा दीदी ने? दीदी 15 दिनों में इंडिया आ रही है। Really? हाँ। Wow, that's great. और वैसे भी कल तुम सब 2 दिन के आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हो, मैं वहाँ तुम्हें ज्वाइन करूँगा। वहाँ हम दोनों भैया से अपनी शादी की बात करेंगे। सच? स्मूथ। ओ, भाभी का फोन। हेलो नेहा, आज मोंटिक का क्रिकेट मैच है। देखो मैं तो वीकेंड की तैयारी में लगी हूँ, सो मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम चली जाओ प्लीज, लेकिन अभी इसी वक्त। कहाँ? वो उसके स्कूल का प्लेग्राउंड है ना, बस वहीं पर। लेकिन पहुंच जाना विदाउट फेल, नहीं तो तुम जानती हो मोंटिक कितना नाराज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, अभी जाती हूँ। ओके बाय। चलो चलो लेट्स गो, वी हैव टू गो। जल्दी चलाओ रोहन, वी आर लेट। ओके ओके। आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच। यस। मोंटिक की जान को खतरा है सर, हम उन्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। मैं श्रॉफ साहब से बात किए बगैर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, श्रॉफ साहब से बात करेंगे। स्पीड अप, जल्दी चलाओ। रिलैक्स नेहा, रिलैक्स। हेलो श्रॉफ साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अगर हम मोंटी का मैच नहीं देख पाए तो पता नहीं मुझे उसे खुश करने के लिए कितनी पार्टियां देनी पड़ेगी। ओके लेट्स गो। मैडम। यस फादर। मोंटी को बुलाइए। ओके। कल मेरी मैच भी खत्म नहीं हुई। चल बेटा बैठ जा। चल चल। और मुझे घर क्यों लेके जा रहे हैं? शाबाश। बताओ ना अंकल। रोको। भाभी, हमें भाई साहब को सारी बातें बता देनी चाहिए। नहीं रोहन, तुम समझते नहीं हो, वो कभी भी अंडरवर्ल्ड की धमकी से डरकर उनके सामने नहीं झुकेंगे। आज उन्होंने मोंटी को किडनैप करने की कोशिश की, कल आप पर भी हमला हो सकता है, नेहा और भाई साहब पर भी हमला हो सकता है। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उनके ये जो
मिशन मोस्ट वांटेड प्रोग्राम है, उसे दिखाना बंद कर दे। तुम उन्हें नहीं जानते हो, वो एक बार जो ठान लेते हैं उसे वो किसी कीमत पर भी पूरा करते हैं। बहुत जिद्दी है वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। एक तरीका है भैया को समझाने का। देखिए भाभी, आज हम वीकेंड के लिए जा रहे हैं, वहाँ भैया दो दिन सिर्फ हमारे साथ होंगे। वहाँ हम उन्हें सारी बात बताएंगे और समझाएंगे भी। तुम्हें यकीन है कि भैया तुम्हारी बात मानेंगे? रोहन, जब जब भैया को मैंने अकेले में समझाया है ना, उन्होंने मेरी बात मानी है। जब भैया अपनी शादी की बात टाल रहे थे तब मैंने ही उन्हें समझाया था और वो तुरंत मान गए थे। क्यों भाभी? तो ठीक है, भाई साहब को मोंटी के किडनैपिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। बेटा, पापा को कुछ नहीं बोलना, ओके? ओके। प्रॉमिस? ओके। सर, हमारा नेक्स्ट टारगेट है फैशन डिजाइनर्स। हमें दुनिया के सामने ये लाना है कि फैशन शोज में मॉडल्स के कपड़े अपने आप उतरते हैं या उतरवाए जाते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड। सो सर, हम लोग स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दें। श्योर, जो भी करना है मगर बी केयरफुल, बी केयरफुल, ओके? ओके। बोल। सो ये एप्लीकेशन तैयार हो गई है, आप जरा देख लीजिए। मैंने अपने लिए नहीं, अपने चैनल के वर्करों के लिए प्रोटेक्शन मांगी थी। कुछ भी अनाप शनाप लिख रहे हो तुम। कमिश्नर मेरा दोस्त है, उसका मतलब भी नहीं कि तुम कुछ भी लिख दो यार। तो उसे भी अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? जी। व्हाट इज दिस यार? अगर तुम नहीं लिख सकते तो कोई जूनियर को भेज दो, मैं उसे डिक्टेट कर देता हूँ, ओके? और वो तृप्ति कहाँ है जो जो क्या बोलते हो, मोस्ट वांटेड स्टिंग ऑपरेशन करती है, कहाँ है वो? वैसी सर, कल शाम से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और अभी भी स्विच ऑफ ही है। कीप ऑन ट्राइंग, जाने से पहले उससे बात करना बहुत जरूरी है, ओके? जी। प्लीज सेंड योर जूनियर। मरेगा साला। क्या यार, बहुत लंबी मीटिंग चल रही है भाई। आई लाना भाई, टेंशन चल रही है। चल ला सिगरेट ले बाबा, दम पड़ी मारे। ये बाबा एक है, मिल बांट के पीते। चल तू भी ना यार, पकाओ आदमी एकदम। योगेश, डोंट टच द केबल यार, डिस्टरबेंस आ रहा है। तृप्ति, केबल झाड़ियों में फंसा हुआ है, उसे निकाल रहा हूँ। ओके ओके, आराम से करना। हाँ लेकिन संभल के, ओके प्लीज। अब ठीक है? या ओके। भाई कौन कौन है वहाँ? योगेश, सब ठीक है वहाँ? तृप्ति, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आता हूँ फास्ट। बट व्हाट हैपेंड? ये वहाँ कोई है। हाँ तृप्ति, उनको पता चल गया है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। ए रुक। तृप्ति, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम गाड़ी लेकर निकल जाओ, मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। ओके ओके, आई विल डू इट, आई विल डू इट इमीडिएटली। कम फास्ट प्लीज। ओके, बट यू रन अवे फास्ट, यू स्टार्ट द कार। तृप्ति, या आई एम, हरी अप तृप्ति, यू स्टार्ट द कार। आई एम स्टार्टिंग द कार फास्ट। ए रुक। भाई भाई, लगता है खुफिया कैमरा, भाई कोई आपके बातें रिकॉर्ड कर रहा था। भाई भाई, वो गाड़ी चैनल एक्स की थी भाई। पीछे जो गाड़ी है उसे जाने दो ना। हेलो 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 सर। तृप्ति, हेलो, बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर, आपको और आपकी फैमिली को खतरा है सर। तृप्ति, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो सर। शिट शिट, जब से गाड़ी में बैठे हो तब से फोन पे ही लगे हो। हाँ भैया, प्लीज इंपोर्टेंट, दिस इज नॉट फेयर, इसीलिए हमने भी अपना अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया। मगर लास्ट कॉल भी ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल है। ओह शिट, माय बैटरी इज गेटिंग लो, अब क्या करूं? यहाँ जाने दो से यार। पिक अप द लाइन सर। कम ऑन, गिव मी द ओके ओके, दिस इज द लास्ट कॉल, लास्ट कॉल, लास्ट। इसके बाद कोई म्यूजिक जरा इनिशिएट करो, आहिस्ता करो प्लीज। हेलो 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 सर, आपको और आपकी फैमिली को खतरा है सर।
काश कैसे गाड़ी चलाते हैं ये लोग. गाड़ी ड्रंक. अनबिलीवेबल. से कह रहा हूँ कि जाने दो कैसे गाड़ी चला रही तो भैया. लेकिन मेरी गलती नहीं थी, उसने मुझे रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया था. तुम... अब मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हैं. ठीक है तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम लोगों को कुछ हो जाता तो. बी केयरफुल ना बेबी. सॉरी भैया. ओके बी केयरफुल मोंटी. यू ओके बेबी. हेलो चैनल एक्स. तृप्ति दे. तृप्ति मैम तो ऑफिस में नहीं है सर. हैदर है वहाँ पर. उसके दोनों मोबाइल ऑफ आ रहे हैं. अब आपके जाने के बाद मिस्टर हैदर भी यहाँ से चले गए. ठीक है, उनसे मुझे कहना कि मोबाइल मेरा टूट गया है, मैं कल फोन करूँगा. जी सर. बाय. तृप्ति मैम अभी बॉस का फोन था. ओ शिट यार. लिसन, मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था. लेकिन मैम सर का मोबाइल टूट गया है. What? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो आपसे कल कॉन्टैक्ट करेंगे. तुम तो स्टिंग ऑपरेशन पे गई थी ना? उसका क्या हुआ? क्या सर? क्या बात है तृप्ति, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर. एक्सक्यूज मी. तृप्ति मेरी बात सुनो. सर, बॉस आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर आपके दोनों फोन स्विच ऑफ हैं. मैं एक जरूरी मीटिंग में था, इसलिए दोनों मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे. मैं अभी उनसे बात कर लेता हूं. पर सर बॉस का फोन टूट गया है, वो बोल रहे थे कि कल आपको कांटेक्ट कर लेंगे. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. गुड नाइट तृप्ति. गुड नाइट. तुम्हें तो बुखार है तृप्ति. स्टिंग ऑपरेशन के दौरान तुमने ऐसा क्या देखा जो इतना डर गई हो, मुझे बताओ. मैं नहीं बता सकती सर, ये टॉप सीक्रेट है. देखो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझे बताओ तुमने क्या देखा ताकि मैं बॉस को इन्फॉर्म कर सकूँ. बॉस ने ही कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊँ. सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, जस्ट लेट मी गो होम. कैसे हो जगत? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. अच्छा गाड़ी से सामान निकाल लो. हाँ जी. सो मोंटी कैसा लगा हमारा फार्म हाउस? बहुत अच्छा फार्म हाउस है. अरे नेहा तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? हाँ नेहा. क्यों भैया, इस फार्म हाउस में क्या खराबी है? यहीं पर आपकी शादी की बात हुई थी और यहाँ पर आपकी और भाभी की बहुत सारी यादें हैं.
उस वक्त तो कुछ और लगता था, अब कुछ और लगता है। क्रास भी मेंटेन नहीं, भूत बंगला जैसे लगता है, भूत बंगला। अच्छा तो अब आपको ये भूत बंगला लगता है, मैं डायन लगती हूँ, क्यों? कम ऑन डार्लिंग, मजाक कर रहा था। बच्चा आपको भूत का बच्चा नजर आता है ना? मतलब मैं भूत? अरे आई एम किडिंग मैन, लेट्स एंजॉय डार्लिंग, मजाक कर रहा था, कम ऑन। तो मैं भी तो मजाक कर रही थी। सरप्राइज, वेरी गुड सरप्राइज। मैं तो सोचा था हम कहीं और जा रहे हैं। 8 साल के बाद भी जगन ने अच्छा मेंटेन किया है, नहीं? अरे मैं मेंटेन तो अच्छा किया, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है भैया? ना फोन, ना इंटरनेट, ना टीवी, ना रेडियो, ना ही कोई कम्युनिकेशन। अगर मुझे किसी को कनेक्ट करना हो, मुझे किसी को कॉल करना हो तो कैसे करेंगे? मेरा फोन तो टूट गया और आप लोग फोन भी नहीं लाए, राइट? काम काम काम। इतना समझाने के बावजूद भी आप काम की बात कर रहे हैं। अब 2 दिन तक आप इत्मीनान से हमारे साथ रहेंगे? हाँ। यार 2 दिन तक इंटरनेट नहीं, फोन नहीं, घर पर तो आपसे मिलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, इसीलिए तो हमने ये प्रोग्राम बनाया है। यू मीन फैमिली प्लानिंग? हम दो, हमारे बेसमेंट। व्हाट अ बेसमेंट, यस। La 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 la. Wow. Oh. Ah. Daddy. Huh? Daddy. Daddy. क्या हुआ? Daddy. नीचे नीचे कोई है? अरे कोई नहीं है, वॉचमैन है, जगन है। हाँ बेटा चल, बेटा तो नींद आ रही होगी, चल। हाँ डर गया मेरा बच्चा? हाँ कम ऑन टाइगर, हो गया चूहे से डरता है? हाँ क्या रे टाइगर, लग गया था नींद आ रही होगी। ओके क्या रे, चूहा से डरता है? मोंटी बहुत हो गया, लेकिन क्यों मुझे? अरे बाबा बाद में खेलेंगे। मोंटी नेहा कम ऑन जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। हाँ भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ जगन डार्लिंग, पता है हम लोग न्यूज़पेपर लेके आता हूँ और एक दो इम्पोर्टेंट कॉल है वो भी करके आता हूँ। हेलो कम ऑन कीप दिस। अरे अगर आप एक बार गए ना तो आप शाम तक लौटने वाले नहीं है। हाँ ओहो इतना नाराज होने की क्या जरूरत है डार्लिंग? और एक दिन आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया नहीं बदल जाएगी। चुपचाप बैठ के नाश्ता कीजिए। नहीं जाता, नहीं जाता हूं। हाय रोहन, आजा बेटा बैठ इधर। हाय एवरीबॉडी। ए ले केला खा और हड्डी मजबूत कर। हाय रोहन व्हाट्स अप, कम ऑन कैच। सही टाइम पे यार, गिव मी द मोबाइल प्लीज। मोबाइल। सॉरी भैया, मोबाइल इज नॉट अलाउड। व्हाट, इट्स अ मिलीभगत। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। हाय नेहा। हाय। एक्चुअली भैया हम सब ने साथ मिलकर प्लानिंग की थी। ओह सी फैमिली प्लानिंग, ये सब करते रहोगे कि अपनी फैमिली भी प्लान करोगे कभी? हाँ नहीं नहीं भाई साहब, जरूर करूंगा। मैं आपको बताने ही वाला था। क्या? कल ही दीदी से बात हुई है। ओह, वो 2 हफ्ते बाद लंदन से आने वाली है। ओह हाउ नाइस। यहां आती हुई नेहा और मेरी शादी की बात करेंगे। फैंटास्टिक, मतलब 2 दिनों के अंदर प्लानिंग शुरू? नहीं भैया, मेरी शादी की प्लानिंग मैं खुद ही करूंगी। अच्छा? जैसे मैंने आपकी शादी की थी, याद है? बाय द वे भैया, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई साहब। व्हाट अ सरप्राइज, मैं तो भूल ही भूल गया था। मैं जानती थी आपको याद नहीं रहेगा। भैया क्या? भैया पहले बताना चाहिए ना। क्या चाहिए मैम साहब, क्या चाहिए तुम्हें? हम क्या चाहिए? सॉरी क्या चाहिए बता। तुझसे मुझे जो भी मिला उम्मीद से ज्यादा मिला, रब से दुआ है साजना चलता रहे ये सिलसिला। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरी जिंदगी की कहानी तू, मेरी धड़कनों की रवानी तू, कुछ दीवाना हूँ मैं कुछ दीवानी तू, तुझसे मेरी दुनिया। भाभी मोंटी को सुला दिया। वेरी गुड। अच्छा सुनिए ये टैबलेट्स खा लीजिए।
अब खाना नहीं, ऐसे लगता है कि गोली खा के जीना पड़ेगा। ये कौन सी टैबलेट है? खाओगे? अरे नहीं नहीं। ये जहाँ भी जाती है हर मर्ज की दवा ले जाती है, चलता फिरता क्या बोलते हैं केमिस्ट, केमिस्ट की दुकान उठा ले आती है, पता नहीं किससे कब क्या जरूरत पड़ जाए। हाँ? है ना? भी ना। भाई साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। श्योर। आपके चैनल एक्स में कई प्रोग्राम आते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है मिशन मोस्ट वांटेड, जिसमें आप बाबा खान, मूसा भाई और कई क्रिमिनल्स को बेनकाब करने की बातें करते हैं। क्या आप बंद नहीं कर सकते उसे? क्यों, ये तो सच्चाई है, लोगों के सामने आनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस न्यूज की वजह से लोगों के दिलों में ऑर्डर बैठ जाएगा? और वैसे भी आप उन्हें बेवजह बहुत पब्लिसिटी दे रहे हैं। मैं समझा नहीं। अंडरवर्ल्ड वालों ने आपको और आपके चैनल को उड़ाने की धमकी दी है। मैं जानता हूं कि आप उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, मगर इसमें आपकी फैमिली का क्या दोष है? उनको भी कुछ हो सकता है, अंडरवर्ल्ड वाले बहुत पावरफुल हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? भाई साहब, कुछ लोगों ने मोंटी को किडनैप करने की कोशिश की, मोंटी को किडनैप करने की कोशिश की है? भाई साहब, वो तो मैंने वक्त पर पहुंचकर मोंटी को बचा लिया। मोंटी को किडनैप? और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं? क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम आपको ये बात बता दें तो आपके चैनल के लिए एक एक्सक्लूसिव न्यूज बन जाएगा, और हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी फैमिली की कोई भी बात बाहर जाए, उसका तमाशा बने। तुम्हें किसने अधिकार दिया हमारी फैमिली के बारे में अच्छा बुरा सोचने का? मिस्टर रोहन, तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो, बने नहीं। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर वाला हमारी फैमिली में इंटरफेयर करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। भैया, लेकिन रोहन, जाने दो उसे। भैया, भैया आपने रोहन का इस तरह अपमान करके अच्छा नहीं किया। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम जानती हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुम तो बड़ी हो ना, तुम भी इसकी बातों में आकर तुमने भी मुझे नहीं बताया। नहीं भैया, भाभी की इसकी कोई। तुम जानती हो कि ये बात छुपाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। अब मैं जाकर कमिश्नर के सिंगल को फोन करके आता हूँ। तुम जाओ और पैक करो। We leave immediately. Go and pack. भैया लेकिन साहब जा रहे हो कहीं? अभी आता हूँ, जरा ध्यान रखना। जी साहब। सारा सुबह से डेड है। नजदीक में कोई फोन है? 40 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप है, शायद वहां पे मिल जाए। फोन नजदीक। मिस्टर जयकिशन श्रॉफ, सीईओ चैनल एक्स। मुंडी आ गए, मुंडी आ गए। कौन हो तुम? बल्लम, बल्लम बिहारी नाम है हमारा। बल्लम का मतलब जानते हैं आप? भाला। वो भी बिहार का, मतलब एक बार छेद दे तो आदमी बचता नहीं है, उठ जाता है।
इसलिए जो जो हम कहते हैं उसा करते जाओ, ठीक है? धमकी किसे दे रहे हैं? अब धमकी कौन दे रहा है भाई? हाँ, हम तो वो क्या कहते हैं कि हाँ नौकरी मांगने आए हैं आपके चैनल में, न्यूज रीडर का। अब देखिए, हम ना आपको ऑडिशन देने की कोशिश करेंगे, परीक्षा। आप देखकर या सुनकर बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार, चैनल एक्स में आप सबका स्वागत है। हम हैं बल्लम बिहारी बिल्कुल ताजा खबरों के साथ। अभी अभी मिली ताजा खबर के अनुसार मिस्टर जयकिशन श्रॉफ की पूरी फैमिली को किसी ने अगवा कर लिया है। अगवा करने का कारण क्या है, वजह क्या है, वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं घटनास्थल से ली हुई कुछ ताजा तस्वीरें। ये देखिए, और ये तस्वीरें आप सबसे पहले हमारे ही चैनल पर देख रहे हैं। ये है डॉक्टर राधा श्रॉफ, हार्ट स्पेशलिस्ट, मतलब दिल की डॉक्टर। एक दिन में 3 ऑपरेशन करती हैं और 12 लाख तिजोरी में। अब कैसे जाएगी बाहर? ये देखिए, ये सावंत है, किसको मालूम नहीं है कि डॉक्टर है। बेचारा डॉक्टर के नाम से ही खार खाता है। अभी तो सिर्फ थपड़िया रहा है, और अगर मालूम पड़ जाए कि ये डॉक्टर है तो खपड़िया उड़ा दे। वो क्या कहते हैं, साइकिक प्रॉब्लम। ना, और ये देखिए, ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ओ सज के ना 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 ना, बेचारी कहीं शादी का बैंड बाजा बजने से पहले इसका खुद का बैंड बाजा ना बज जाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शाबाश, पकड़ लिया। ये देखो, ये हमरे वीर जी हैं, मतलब एक बार अगर किसी को पकड़ लेना तो मार के ही दम लेते हैं। और ये देखिए आपका शेर, शेर बेटा, जिसे हमारे हीर जी ने बिल्कुल बिल्ली बना दिया है। ये देखो हीर जी, सबका प्यारा राज दिलारा, वीर जी का छोटा भाई और हमरा लाडला। मतलब ई अगर चांद तारे भी मांग लेना तो तोड़ के लाना पड़ेगा इनके लिए। आगे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सवाल वो पूछता है जिसके हाथ में तमंचा होता है, ठीक है? चलिए अभी आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फार्म हाउस। सीधे ले चलेंगे फार्म हाउस लाइव टेलीकास्ट दिखाने, ठीक है? कैमरामैन बल्लम के साथ बिहारी, चैनल है। आप बताइए कैसा लगा हमारा ये ऑडिशन? अब चलिए, ए हीर जी, ज्यादा हंस मत, सांस चढ़ेगी रे। मुझे बाहर जाना। ए चुप, सावन, सारे दरवाजे सील कर। ए वीरजी बाबू, जरा ठीक ठाक से तलाशी कर लेना, कहीं हथियार ना हो। ये दोनों है ना? हाँ ये दो तो हैं। चुप ले छोरा, अटे बैठे वाह जी वाह। ए, गन भी रखता है? ए भाया, अब बंदूक अड्डे दे। खेल वाली चीज कोनी, चाल जाए तो लाग जाए। मने पत्ते भाया, पत्ते अटे नजर रख। Ah!
जब तक अपना काम पूरा नहीं हो जाता इसको जिंदा ही रखना पड़ेगा। अपुन ने पैसा लिया उन लोगों से। तुम लोगों को पैसे चाहिए? मैं दूंगा। कितने पैसे चाहिए? ए, ये पैसे का धौंस मत दे। हाँ, हम लोग बेईमान जरूर हैं, पर बेईमानी के धंधे में बिल्कुल ईमानदार हैं, समझे? हेले पढ़। चैनल एक्स रिपोर्टर शॉट डेड सिक्योरिटी घायल। अपुन का ऐसा है भाव, बनी तो बनी, नहीं तर नहीं तो सनसनी। ए कब? आप लोग चाहते क्या? दो ही बातें सीईओ साहब। नंबर एक तो ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है टीवी पर मूसा भाई के बारे में, मिशन मोस्ट वांटेड, उका बंद करो। और नंबर दो, ये जो तुम्हारी रिपोर्टर है, का नाम है उसका, तिरुपति, उसने जो भी रिकॉर्ड किया है वो टेप हमको चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप किस टेप की बात कर रहे हैं। सलाम भाई। बस सलाम दुआ छोड़, काम की बात कर। मना कर रहे हैं सर? हाँ। बोल रहे हैं इनको टेप के बारे में कुछ है नहीं मालूम। वो सच बोल रहे ले। उसको बोल चैनल जाने को अभी इसी वक्त। टेप उधर ही चे। और सुन जी, मेरे को वो टेप मंगता याने मंगता जी। चलिए चैनल ऑफिस अभी इसी वक्त। और देखिए सीईओ साहब, जैसा आप रोजे जाते हैं ना चैनल में, ओ सूट वूट टाई वाई पहन के, वैसा ही तैयार होकर जाइएगा। हाँ चलिए। उठ उठ। ए सावंत, खोल दे इनको। बाबा, बाबा, ओ बाबा। बाबा, बाबा। ए हिरजी, हिरजी, चट आगे जा। हाँ? देख लेंगे साले को। बस बस बस, आराम कर। I'm so sorry भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रो मत। काहे छाती में दुखे? काहे लेकर आते खतरे की जगह पर इसको? अरे क्या करूं बल्लम भाई, इस हाल में घर पे अकेला छोड़ता हूँ तो सारा दिमाग वही लगा रहता है, साथ लेके आता हूँ तो इसका दर्द देखा नहीं जाता। मैं ऐसे सीधे चैनल जा रहा हूँ, वहां जाकर किसी भी तरह से एक ही सिंगल को कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहीं रहो। अगर पुलिस यहां आ गई तो मैं नहीं चाहता क्रॉस फायर में तुम लोग फंस जाओ। और ध्यान रख इन लोगों का। डोंट वरी। मसला रहा। शाबाश। इतना टाइम तो लौंडिया भी नहीं लेती है। देख का श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत टाइम लगा रहे लोग। किधर है भाव? ओ आ गए। ए बेड़ू, ये सूट बूट में एकदम झकास लगता है तू। चलो जा रहा हूं, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। सीईओ साहब, अगर हमारी बात मानोगे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर थोड़ा भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो मजबूरन हमको इनका ब्रेकिंग न्यूज भेजना पड़ेगा। जाइए। एक मिनट, चैनल आप अकेले नहीं जाएंगे,
वीर जी आपके साथ जाएगा। बल्लम भाई ये क्या कह रहे हो? वो कहा है कि सोच ज्यादा रहा है और बोल कम रहा है, और हमका कहे कि डाउट हो रहा है। वहां जाकर बदमाशी करेगा पुलिस पुलिस का कुछ। लेकिन हीर जी को इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा? पगला गया है का? ई हमरा भाई नहीं है। अरे जितना प्यार तू करत है इससे, उससे ज्यादा हम करते सब। मेरा मन नहीं मान रहा, सावंत को भेज दो ना। वीर जी ई हमारी जिम्मेदारी है। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं ये जो बोलेगा हम मानेंगे, ये जो कहेगा हम करेंगे, ई का बाल भी बांका नहीं होगा जब तक हम जिंदा हैं। और इस सावंत का कहा है ना कि इसकी खपड़िया का बल्ब जल गया ना तो पता नहीं काका का कर बैठे। और तुम तो संभाल लोगे ना। ए वीर जी भाया, बलम भाई है ना? और सुन, अगर तनिक भी होशियारी करे ना तो एक मिस कॉल कर देना, फिर जिंदगी भर अपनी फैमिली को मिस करेगा। चल। क्या हुआ? हमारे सीनियर एडिटर हैदर तृप्ति से बात कर रहे थे, फिर वो चली गई। बाद में पता चला कि तृप्ति को किसी ने गोली मार दी। गुड मॉर्निंग मिस्टर श्रॉफ, मैं हूं इंस्पेक्टर मोहिते। वैसे आप एक बात बताइए, कल से आप थे कहां? आपको पता है आपकी रिपोर्टर मिस तृप्ति को किसी ने गोली मार दी? आपका मोबाइल भी नहीं लग रहा था मिस्टर श्रॉफ। वो गिरकर टूट गया। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके चैनल के सीनियर एडिटर मिस्टर हैदर अली कहाँ होंगे? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब ये वारदात हुई तब वो यहाँ हाजिर थे, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है, और ना ही वो दूसरे दिन ऑफिस आए। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ होंगे? I have no idea about him. Okay, Mr. Shroff. You may go now. Thank you. Excuse me. एक मिनट, क्या आप यहीं पे काम करते हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, आप ही से बात कर रहा हूं। मैडम आप मुझे बताइए, क्या यह आदमी यहीं पे काम करता है? बताइए, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या यह यहीं पे काम करता है? इंस्पेक्टर, ये आज ही दिल्ली से आए हैं। मेरा कजिन है। Any problems? No, you may go. Hello, sir. Jai. Inspector Mohite bol rahe. क्या कर रहे हो तुम? आपको बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं ब्रदर। डोंट कॉल मी ब्रदर। क्यों? अभी बाहर खुद ही तो बोला कजन हूं तुम्हारा। तुम्हारी जान बचाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। अपनों की जान बचाने के लिए तुम्हें रिश्ते बनाने पड़ेंगे। रोहन है। नेहा,
अपनी ननद से कहो कि उसे बाहर से ही फुटा दे। नेहा अंदर आया तो उसे था ऊपर जाएगा 14 के भाव में। और तुम्हारी ननद बिन ब्याह विधवा हो जाएगी 12 के भाव में। जी चुप रहे, सांस चढ़ जाएगी, सांस चुप। नेहा वो इधर जा रहा है, बोलो जल्दी। नेहा बोलो। नेहा नेहा तुम रोहन को वापस जाने को कहो, जाओ। और सुनो, उसको कुछ बताने की कोशिश मत करना और यहां से पूछो। ये तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर तुम वापस नहीं आई तो इन दोनों की लाइफ डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। जाओ। हाय नेहा। हाय। कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? Come on, Neha. I mean, please, Neha. Please, तुम यहाँ से जाओ. Neha. Neha. Leave me. Papi. नहीं नहीं. चुप हो जाओ. अरे वाह. कमाल का टाइमिंग है आपका तो. 17 सेकंड पहले. हैं? इस दर्द का इलाज तुम्हारे पते के पास है। सारा ऑफिस छान मारा, कहीं नहीं मिला। झूठ मत बोलो ब्रदर, अभी बहुत जगह बाकी है। कम ऑन। ऑफिस बहुत बड़ा है, वो मुझे पता कि नहीं मरी कि उसने कहाँ रखा है टिप। अरे यार, तो ऐसी लड़कियों को नौकरी पे क्यों रखते हो जो बॉस को बता के नहीं मरती है? सोचो सोचो सोचो, एक लड़की कहाँ कहाँ छुपा सकती है टिप? मेकअप बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, हैंडबैग, सैनिटरी नैपकिन। शट अप। हेलो मिस्टर शराफ, इंस्पेक्टर देशमुख। कम सिट। माफ कीजिएगा, बिना इजाजत अंदर आ गया। क्या बात है, माहौल कुछ गर्म लग रहा है? बात ऐसी है कि यूं ही चैनल की बातें हो रही थी। ये कौन है? मैं इनका कजन हूँ, दिल्ली से। राइट ब्रदर। शराफ साहब, आपको तो पता चल ही गया होगा कि आपकी रिपोर्टर तृप्ति का मर्डर हो गया। जी हाँ। एक बात बताइए, आप कहीं किसी सेक्स स्कैंडल पर कोई स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रहे थे? क्या इंस्पेक्टर साहब, अरे सेक्स से मेरे ब्रदर का क्या ताल्लुक? आप जरा चुप बैठेंगे? मिस्टर शराफ, वैसे मरने से पहले आपकी रिपोर्टर की एक हरकत हमें समझ में नहीं आई। कौन सी हरकत? सेक्स। What? उसकी लाश के पास से हमें एक पेपर मिला जिस पर लिखा है सेक्स। शायद मरने से पहले उसी ने लिखा होगा, आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब, कि मेरे ब्रदर और उस रिपोर्टर के बीच में सेक्स संबंध? तुमसे पूछा मैंने, पूछा तुमसे,
बीच में बोलने वालों से सख्त चिढ़ है मुझे। जाओ जाकर बाहर बैठो, जाओ। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरा ब्रदर और सेक्स, अरे नहीं, ची। बहस करते हो पुलिस वालों से, बहस करते हो, उठो चलो जाओ बाहर जाओ। अरे लेकिन मैं, अरे मैं कजन हूं उनका, ब्रदर है मेरे, ब्रदर बोलो ना। इंस्पेक्टर की बात मानो और बाहर जाओ। चलो बाहर जाओ। अरे बाहर जाओ। देखो ब्रदर, डरना मत, कुछ भी गड़बड़ हुई तो सीधे होम मिनिस्टर को फोन कर दूंगा। होम मिनिस्टर, चल बाहर, चल बाहर। सभी धमकी देते हैं, कभी नेताओं का, कभी अंडरवर्ल्ड का। चल, ये आपका भाई है। ये मेरा भाई नहीं है, इसके तीन दोस्तों ने मेरे परिवार को किडनैप करके मेरे फार्म हाउस पे रखा हुआ है। इन्होंने छुट्टी का भी मर्डर किया हुआ है। मूसा के आदमी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गिरफ्तार करें और मेरे परिवार को बचा लें। ओ ब्रदर। बोलिए साहब। गलती हो गई ब्रदर, आपकी पहुंच तो दिल्ली तक है। आइए अंदर आइए। कंधे से आता मूसा का आदमी है। ए ब्रदर, तुम ये ठीक नहीं किया। मुझे धमकी लगा। मिस कॉल मारता हूं मैं। डाल दूं छह के छह गोली तेरे में। सारा सबको बैठ। आपसे मैं बाद में निपटता हूं। साला बकबक करता है। अरे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से बच्चे पैदा नहीं होते, कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। मूसा भाई का आदमी, क्या किया मूसा भाई का आदमी बनकर अब तक, क्या किया? मूसा भाई का नाम सुनकर उसके पैंट से जुलाब छूटना चाहिए था। तोते की तरह बकरा है, तोते की तरह। चार आदमी मिलके एक आदमी को नहीं डरा सके, नहीं डरा सके। चलो इस तरह काम करोगे मूसा भाई के लिए, इस तरह काम करोगे? मूसा भाई को टेप चाहिए, टेप। तेरी बड़ी बड़ी बातें नहीं, अगर मेरी जगह कोई और पुलिस वाला होता तो तेरी लाश का अब तक पंचनामा हो रहा होता। और आप मिस्टर जयकिशन श्रॉफ, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, हमारे लोग पूरे चैनल में फैले हुए हैं। क्यों एक टेप के पीछे अपनी पूरी फैमिली को मरवाने पे लगे हुए हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द उस टेप को ढूंढ लो, वरना न तुम रहोगे, न तुम्हारी फैमिली और न ये चैनल एक्स। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। पापा आएंगे ना, तब खा लेना। अभी तुम सो जाओ, सो जाओ। जब तक भैया आएंगे तब तक क्या मोंटी भूखा रहेगा? नहीं भाभी, मैं मोंटी के लिए कुछ नीचे से लेकर आती हूँ। नहीं नेहा, तुम्हें तो मैं हर किस नहीं जाने दूंगी। वो लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम रुको, मैं खाना लेकर आती हूँ। भागने की तैयारी कर रही हो? हाँ, पुड़ंचु काहे? किचन में जा रही थी। किचन में काहे? छुरी लाने, हमारा गला काटने का प्लान तो नहीं बना रही थी? नाश्ता बनाने जा रही थी अपने बच्चे के लिए। ठीक है, जाओ जाओ। सुनो, थोड़ा नाश्ता हम बच्चों के लिए भी बना दो। और सुनो, मेरे लिए भी डबल आमलेट घी में, दोनों तरफ लाल कर देना, नींबू कांदा डाल के, समझी ना? चल जा। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। बदतमीज कहीं के। गुस्सा काहे हो रही है मैडम जी?
हमको मालूम है कि आप नौकरानी नहीं है, डॉक्टराइन है, तो क्या करें? ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, हाँ? पीछे आ लो, अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी तो एक डॉक्टर को टप्पे, अब इस साली को भी टप्पाता हूँ। किया क्या? साले सब के सब डॉक्टर एक जैसे होते हैं, सेवा कम और मेवा ज्यादा खाते हैं। स्टेथोस्कोप लगाया 75 रुपया, दवाई इंजेक्शन दिया 150 रुपया। साला पेशेंट को डरा डरा के लूटते रहते हैं और वो साला मर मरा के पैसे दे दे रहता है। सब के सब डॉक्टर एक जैसे होते हैं बल्लम भाऊ, इस डॉक्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे इन पर का है भटक रहा है, इन्होंने का बिगाड़ा है तेरा बोल? अरे मेरा नहीं तो किसी और का तो बिगाड़ा होगा, उस डॉक्टर ने भी मेरे ज्यादा ही नहीं किया था। साले गरीबों की झोपड़पट्टी तोड़वाकर वहां अस्पताल बनवाएंगे और उसी अस्पताल में साला गरीबों को इलाज नहीं मिलेगा। ये साले डॉक्टर लोग सब ऐसे होते हैं बल्लम भाऊ, आप बीच में मत बोलना। अरे सुन तो मेरी बात, सुन मेरी, पैसे की फिक्र नहीं करने की। हाँ ठीक है ठीक है, काम हो जाना चाहिए बस। क्या देशमुख, तेरे चेहरे से लग रहा है काम नहीं होया। हो जाएगा भाई, अभी अभी चैनल से आ रहा हूँ, उस सीईओ को समझा कर। देशमुख वो टेप अपने लिए बड़ी जरूरी हैगी। हाँ वो टेप है ना, मूसा को ओपन कर सकती है क्या? समझ गया ने? ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, जैसे टेप हमारे पास आएगा वो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। भाई मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो? कुछ पैसे चाहिए भाई। चीटी बन के शक्कर खाने की, हाथी बन के गन्ना खाने गया ने तो दुनिया की नजर में आ जाएगा क्या? अरे भाई मंदिर बनवा रहा हूँ, आप भाइयों की सेवा करके और फिर इसी तरह तो चंदा इकट्ठा कर रहे हो। बे 100-100 चूहे खा के बिल्ली अभी हज करने को चली है? ध्यान से सुन, वो चैनल का कचरा ला के इधर फेंके लाने, उसको उठा के ले जाने का, साफ करने का। ठीक है भाई, उसका एनकाउंटर करके उसकी फाइल बंद कर देता हूँ, बस पैसा मिल जाएगा, बंदोबस्त हो गए। साहब साहब मुझे जाने दो साहब, भाई देखिए बहुत ही गरीब आदमी हूँ मैं, चैनल एक्स की न्यूज़ चुरा कर दूसरे चैनल को बेच दिया करता था, कुछ पैसे मिल जाते थे। तो मैं कौन सा बिल गेट्स हूँ हैदर अली? भाई भाई मुझे जाने दीजिए। ठीक है जाओगे, लेकिन कैसे जाओगे, फुल एंड फाइनल या फिर किश्तों में? कैसे जाओगे बोल? किश्तों में? हाँ वही 12 महीने, 24 महीने या फिर 36 महीने, बोल कैसे जाएगा? भाईजान समझा नहीं। हैदर अली ये दुनिया बहुत तरक्की कर गई है और ना समझ लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ब्रदर वो रिपोर्टर मरने से पहले क्या लिख कर गई थी? सेक्स। मुझे लगता है ये टेप वही होगा जिस रूम में तुम दोनों सेक्स करते थे। कहाँ है भाई साहब? रोहन तुम या? I'm very sorry भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ना ना it's okay, don't worry, it's okay. I'm really very sorry. मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? Actually गलती मेरी ही है। अरे जाओ ना, ब्रदर ने माफ कर दिया तुमको। हाँ चलो जाओ। भाई साहब ये कौन है? मैं इनका कजन हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मैं कई सालों से इनकी पूरी फैमिली को जानता हूँ। रोहन तुम दिल्ली के कजन कहाँ से आ गए? अरे यार ए ब्रदर इसको समझाओ। अब तो दब गए, अब उसने उठाया तो उठाया, नहीं तो मिस्ड कॉल। लो इस ससुर काट ही नहीं रहा है, रिंग बजे जा रहा है। मैंने बोला था उसको समझाओ नहीं तो। भाओ इतनी बजे तो उठा लो, देखो कोई टेंशन तो हो गई। हाँ कहा हुआ वीर जी?
टेप मिला? हीर जी कैसा है? ठीक है? ठीक है तुम्हारा भाई, केला खा रहा है, काहे चिंता करे अपने भाई का, हम है ना? हे सावंत का फिरके हट गया था डॉक्टर वाला। अच्छा अस्मत अस्मत भाई, सांस चढ़ जाएगी। अच्छा सुन, अभी हवा टाइट है तीनों का। उधर सीओ साहब का क्या हालचाल है? यहाँ भी हवा टाइट है। अच्छा टेप मिलते ही आता हूँ। देख भाई, तू आ तो गया अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा हमारे रहने पर। चल जा, तू भी लग जा टेप ढूंढने में इनके साथ। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मैं भी चाहता हूँ कि किसी भी तरह से अपने दोस्त कमिश्नर के सिंगर को फोन करूँ, मगर इसने फोन के सारे कनेक्शन काट दिए हैं। इनमें से किसी का फोन लेके कर लीजिए। मेरे स्टाफ में इसके आदमी लोग भरे हुए हैं। क्या? कौन किसका आदमी पता नहीं चल रहा है। ब्रदर, क्या खुसर पुसर हो रही है? हम टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन ही करते रहोगे या ढूंढोगे भी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे आज तो तुम्हारा बर्थडे है जूली, हैप्पी बर्थडे। रिलैक्स, मुझे सिर्फ तुम्हारा मोबाइल चाहिए। ओके। रिलैक्स। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। हेलो ब्रदर। किधर? टॉयलेट। मैं भी आऊंगा। क्यों? सीटी बजा ना बच्चों के लिए, सुसु करने के लिए। बहुत होशियार समझता अपने आप को। क्या समझता है तू? ये जो दो आंखें हैं ना मेरी, चारों तरफ जो तूने कैमरा लगाया उनसे तेज है। प्यार से समझाया तो समझता नहीं है। किसे फोन कर रहा था? हाँ, किसे फोन कर रहा था? किसको फोन कर रहा था तू? फोन साला मैं करूंगा। अभी बल्लम को बोलता हूँ, सबके सबको खत्म करते हैं। अभी के अभी करो फोन, बोल। नहीं, 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 नहीं। आइंदा ऐसे गलती नहीं होगी। लास्ट चांस। लास्ट चांस। ये ले बेटा बादशाह, आज तो इसका पपुले बनाने का हिर्दी है। हंस मत, हंस मत भाई, हंस मत, तेरी सांस चढ़ जाएगी, इतना ही काफी है। कदरारी तेरे कहरी का, ये रहा हुकुम का पंजा। हुकम का पंजा, हुकम के पंजे का क्या करूं, बैठ के खुजाऊं का है? बस करना। तो किस्मत है कि ससुरी लाल बल्लभ है, जिंदगी का ट्रैफिक आगे बढ़े नहीं रहा है। ए बल्लम बाबू, कितनी बार बोला लाल बल्लभ, डॉक्टर नहीं बोले। ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे लाल बल्लभ है, ये ले छक्का। बल्लम बाबू, आपको बोला ना छक्का और लाल बल्लभ नहीं बोलेगा। काहे भाई? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। काहे नहीं बोलेगा भाई? बोला तो नहीं बोलेगा। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है? हरा बल्ब नहीं बोलने का, लाल बल्ब नहीं बोलने का, छक्का नहीं बोलने का, डॉक्टर नहीं बोलने का, और क्या क्या नहीं बोलने का, बोल। अबे डॉक्टर इनका भी ना एक दिन ट्यूबलाइट फोड़ूंगा मैं, इसीलिए बल्लम भाव बोलता हूँ अपने को लाल बल्ब, छक्का और डॉक्टर नहीं बोलने का, बस। चल ठीक है भाई, कुछ और काम आए ना आए, कम से कम मूतने के काम तो आता है ना। हाँ, अब उसी के काम आता है भाई। ये भाई इतना हंस मत, इतना हंस मत, कहीं तेरा बल्ब उड़ गया ना तो बिरजी भाई को क्या जवाब देगा? बल्ब नहीं बोलने का, बल्ब नहीं बोलने का। हंस मत, हंस मत भाई, सांस चढ़ जाएगी। भाभी, इस वक्त वो लोग बाहर दरवाजे के पास बैठे हैं, हम चाहे तो यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग दरवाजे के पास बैठे हैं तो हम लोग कैसे भाग सकते हैं? बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है। नहीं भाभी, दूसरा रास्ता है। पर कहाँ? हत्चाइल। इका हुआ? अरे बेगम, रानी है। इस तरह किसी काम की नहीं है। बाबू कितनी बार बोलेगा, कितनी बार बोलेगा, नहीं बोलने का तो नहीं बोलने का।
हालत तुम्हारी तो अभी तुम्हारा ही भाग छोड़ना पड़ेगा। भागेगा मेरी बात सुनो, हम पकड़े गए तो भाभी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रुको रुको, भाभी वो लोग बाहर है, लेट्स गो। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। गो गो, चल चल चल, आंटी कम ऑन। अब कहाँ भागेगा? बोलेगा लालबल? लालबल बोलेगा? बोला ना नहीं बोलने का? बोला ना नहीं बोलेगा? अब बोल, उतारूंगा ना मैं। आवाज सुनी तूने? जल्दी क्या, जल्दी जल्दी। तू बैठ इधर। कितनी बार बोला उसने, है? हंसने का नहीं, हंसने का नहीं। बात समझ में नहीं आती तेरे को? जिम्मेदारी लिया हूं तेरी। ए, वो दोनों किधर है? हाँ, मैं तेरे को पूछ रहा हूं, वो दोनों किधर है? पकड़ डॉक्टर को, पकड़ साली को। मैं साली को मारूंगा। अरे मार लेना तू ही, मिले तो ससुरी पहले। आवाज आई? हाँ चल, तू कहाँ जा रहा है? तेरी सांस चढ़ जाएगी, बैठ इधर। कुछ नहीं होगा तुझे, तू मरेगा तो ये सब मरेंगे। हाँ बीड़ जी, अच्छा होता ने फोन किया। हीर जी को दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? हाँ। हीर जी को? हाँ। क्या हुआ, कैसे ये? अरे कुछ नहीं सर, सब ठीक। ये ससुरे भागने की कोशिश कर रहे थे, नीचे कुछ लफड़ा हुआ, हीर जी को दिल का दौरा पड़ा है। इसकी तो किधर है ये डॉक्टर आएंगे? ए डॉक्टर आएंगे, सुन एक बात, कान खोल के सुन ले तू।
मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए वरना यहाँ तेरे पति की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। Let him die. He deserves it. He doesn't deserve to die. All he needs is a healthy heart and I need money for it. You bloody bastard. एक बार करे तो लोग सबको मार डालूंगा मैं। एक-एक को मार डालूंगा यहाँ। एक-एक को मार डालूंगा वरना किसी को छोडूंगा नहीं यार। ज़्यादा चूँ चपड़ करें पूरा फैमिली उड़ा दूंगा सालों की। मार दे यार, मार दे। तू कर भी क्या सकता है और? मुझे जो भी पड़ेगा मैं करूंगी बस। तुम्हारे भाई को दिल का दौरा पड़ा? कितनी तकलीफ हुई तुम्हें? मार दूंगा इसे, मार दूंगा उसे, मार दूंगा। मेरी पत्नी, she's a heart specialist and she'll save your brother. She's not like you. मार दूंगा इसे, मार दूंगा उसे, मार दूंगा। देखिए जल्द से जल्द ये इंजेक्शन और दवाइयां ले आइए प्लीज, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या देख रहा है? बमन भाऊ, वो कहने की क्या बोला था मैं? सुनो ना। अरे बोलेगा तो सुनूंगा ना। साला कोई डॉक्टर पैसा लेता है तो कोई डॉक्टर जान लेता है। बिना पैसे का जान बचाने वाला डॉक्टर पहली बार देखा। तो साला लोग भागना चाहते तो भाग सकते थे मगर भागे नहीं। तो क्या करूं, मेडल दो इनको? नहीं, मैं क्या कह रहा था कि इनको छोड़ दो। क्या बोला तू? बोल। अरे नहीं। क्या बोला? फिर से बोल। बोल फिर से। तू तो इस डॉक्टर का ट्यूबलाइट फोड़ने वाला था ना? क्या हुआ, जल गया तेरा हरा बल्ब? बल्ब भाव मेरे खोपड़ी में ऐसा था कि सब डॉक्टर लूटते हैं, ऐसा लेकर भी जान नहीं बचाते, लेकिन इसने तो अपनी जान खतरे में। टेप मिलेगा तो छोड़ देंगे वरना पूरा खानदान खत्म कर दूंगा इनका। दोबारा मत पूछना और सोचना भी मत। हाँ वीर जी बोल। वीर जी कैसा? अब ठीक है, काहे चिंता कर रहे तुम, बोला ना। सुन बात करो उससे। अभी सो रहा है अभी। अरे तो जगाना यार, बात करनी है मुझे। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक। हाँ
फोन है वीर जी का, चल उठ। इसको मैंने नींद का इंजेक्शन दिया है, आराम की सख्त जरूरत है उसे। बाहर जाओ तुम लोग। ए मैडम, भाई का फोन है, बोला ना बात करनी है तो करनी है। और मैंने बोला ना कि पेशेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ए डॉक्टर आइन, मेरे साथ ज्यादा तू तड़ाक नहीं, वरना 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 क्या, वरना क्या कर लोगे तुम लोग? मारी डालोगे ना? और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? लोगों को मार मार कर तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है, लेकिन मैं तुम जैसी नहीं हूँ। और ये पेशेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके भाई को बोलो ये बिल्कुल ठीक है, 2-3 घंटे में उठेगा, तब बात कर लेना। अब तुम लोग चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। I said, get out! क्या हुआ भाई? इंसानियत नहीं है, ये तेरी डॉक्टर मैडम बोलती है, इंसानियत नहीं है। हाँ नहीं है तो? इंसान हैवान पैदा नहीं होता कोई, यही बनते हैं साले। माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए थे जो कर रहे हैं। मेरी माँ 15 कोस दूर पानी लेने जाती थी, राजस्थान की तपती धूप में। ये सलाहीर जी छोटा सा, जब देखो बीमार। डॉक्टर के पास जाओ तो सलाह मुंह फाड़ता था, इतना बड़ा कहां से पैसे लाए? 15 कोस से एक घड़ा पानी लाके साला चाराने में बेचती थी तो आधा पेट रोटी खाते थे। फिर एक दिन गई तो न पानी आया न मां, प्यासी मर गई। हीर जी को पढ़ाया, मैं भी पढ़ा, तब तक इंसानियत थी। फिर साला पढ़ लिख कर कुछ फायदा नहीं, न नौकरी मिली न कुछ। मालूम पड़ा साले के दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा हीर जी का। डॉक्टर हरामी साला इतना लंबा चौड़ा नाम बताया बीमारी का, उतने ही लंबे चौड़े पैसे बता दिए। तब अपना बल्लम बिहारी मिला, चोरी चकारी, भाई को बचाना था, मां तो गई बस भाई बचा था। ये तेरी डॉक्टर है ना, पागल है साली, ये हम लोग इनको मारने आए हैं, ये मेरे भाई को बचा रही है। वहां साली जहर का इंजेक्शन दे देती उसको, क्या कर लेता मैं, क्या कर लेता यहां बैठे बैठे, क्या उखाड़ लेता उसका। जिस भाई के लिए इंसानियत का रास्ता छोड़ा था, उसी भाई के दर्द ने दोबारा रास्ता दिखा दिया। क्या सोच रहे हो? तू नहीं समझेगा, वो बल्लम बिहारी समझता है, बहुत साल साथ में गुजारे हैं ना, वो साला भी वही सोच रहा होगा जो मैं सोच रहा हूं। अब क्या करोगे तुम? इस चैनल वाले की जिंदगी पे आंच नहीं आने दूंगा। तुम नहीं मारोगे तो कोई दूसरा मारेगा उन्हें। मेरे होते नहीं, एक एक की लाश बिछा दूंगा यहां, फिर ये भी नहीं देखूंगा वो साला मूसा है या कोई और है। मूसा से गद्दारी का मतलब जानते हो तुम? अबे दोस्ती करके कौन सा सुख मिल रहा है यहां, हमेशा जिंदा रहने का सर्टिफिकेट थोड़ी मिल गया।
दर। डोंट वरी सर, कोई भी एविडेंस इधर से उधर नहीं होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारे मिशन मोस्ट वांटेड की सारे डिटेल्स मैं अपने लॉकर नंबर X35 में रखूंगी। हेलो, आपको वापस तकलीफ देनी पड़ी साहब। देशमुख साहब, सलाम देशमुख साहब। वो टेप मिला नहीं अभी तक। वो टेप ऑफ छोड़ो, उन तीनों को ही खत्म करो अभी इसी वक्त और निकलो वहां से जल्दी। ठीक है साहब, चल। थोड़ा सा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। पापा, मैं नहीं बचूं। देखिए, इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाइए, खतरा अभी टला नहीं है। मैं नहीं बचूं। सावंत, बच्चे की आंख बंद कर। सावंत, बोला ना, बच्चे की आंख बंद कर। बल्लम भाई, रुक जाओ, इन लोगों को मत मारो, ये तो मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही है। बल्लम भाई, कहते हैं मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। बल्लम भाई, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। बल्लम भाई, आपने वीरजी भाई से वादा किया था कि आप मेरी बात मानोगे। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं, ये जो बोलेगा हम मानेंगे, ये जो कहेगा हम करेंगे। इन लोगों को छोड़ दो, इसको भी अभी पंचर होना था। रोहन बाबू, आप, हम बल्लम बिहारी, नहीं नहीं आप हमें नहीं जानते, पर हम आपको जानते हैं। आप नेहा जी के पतिदेव हैं ना, होने वाले। आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। मालूम है ये डॉक्टर नहीं मैडम, हमरे हेड जी का फ्री में इलाज कर रही है, पर हमारा तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ससुरा। ऐसे क्या देख रहे हैं। मूसा भाई से गद्दारी, यानी मौत की सवारी,
वीर जी तो गया ऊपर, अब तेरी बारी। अपना बल फूटेगा। कुछ नहीं होगा तुझे, ये बलम भाव अभी तक क्यों नहीं आया? बल फूटेगा सावंत भाई, तुम ठीक हो जाओगे वीर जी। मैं देखता हूँ बलम भाव क्यों नहीं आया। अरे बलम भाऊ, बलम भाऊ मैं नहीं बचूंगा। चुप करो, ज्यादा बोलो मत। हेलो। हेलो राधा, आप कैसे हो? तुम लोग कैसे हो? फोन तुम्हारे पास दिनों का है? उन्होंने हमें चैनल छोड़ने का फैसला किया है। एक बार ध्यान से सुनो, रोहन हमसे बदला लेना चाह रहा है। क्या? हाँ रोहन। रोहन हमसे बदला लेना चाहता है, लेकिन क्यों? अगर वहां तो दरवाजा मत खोलना। टेक केयर, आई एम कमिंग देयर। ओह माय गॉड। अच्छा, क्यों नेहा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नेहा। मेरे पास मत आना प्लीज। बैठ। तुमने ऐसा क्यों किया रोहन? ये सवाल तुम मुझसे नहीं अपने भाई से पूछना। क्या जरूरत थी तेरे भाई साहब को बाबा खान और मूसा भाई के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने की? क्या जरूरत थी उन्हें बेनकाब करने की? समझाया, धमकियां भी दी, मगर वो नहीं माना। तेरे भाई के किसी न्यूज रिपोर्टर ने मूसा भाई का स्टिंग ऑपरेशन किया, वो तो मर गई,
मगर वो टेप छोड़कर तुम सब लोगों की मौत का फरमान छोड़ गई। नहीं। मगर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। हाँ नहीं नहीं रोहन, क्योंकि मैं जिस आदमी से प्यार करती थी वो इतना बुरा आदमी नहीं था। मैं अच्छा आदमी बनना चाहता था, मुझे बुरा बनाया किसने? आप स्माइल मोहसिन, बस भी करो मोहसिन, अब मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। आप एक मिनट यहाँ देखो ना, आप कैमरे में देखो ना प्लीज। पहले ये बता, इतना महंगा मोबाइल लाया कहाँ से तू? सेठ ने दिलाया है आपा। सेठ ने? आए दिन तेरा सेठ तेरे ऊपर मेहरबान होकर कुछ न कुछ दिलाता ही रहता है। नौकरी मैंने भी की है, पर जितने कम समय में तूने कमाया ना, आज तक कोई ईमानदार नहीं कमा पाया। आप कहना क्या चाहती हैं आपा? वही जो तू समझ कर भी ना समझ बन रहा है मोहसिन, बेईमानी की दो बोटी से नेकी की एक रोटी अच्छी है। तू जिस राह पर अपने आवारा और मवाली दोस्तों के साथ चल रहा है ना, उसका अंजाम हमेशा ही दर्दनाक होता है। देखो मोहसिन, ऐसा कोई काम मत करना जिससे अपने खानदान का नाम बदनाम हो जाए। आपा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या सही है क्या गलत है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अम्मी अब्बू की नेकी और खुददारी का वास्ता है तुझे, छोड़ दे ये काम। आपा, मैं इंटरव्यू के लिए होटल स्टारिन जा रही हूँ, तेरा खाना रखा है खा लेना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आपा। नहीं भाई, अपुन ये काम नहीं करेगा, और आप तो जानते ही हैं आपा का कहना मेरे लिए फुल एंड फाइनल होता है, उनके सिवा मेरा है ही कौन? हम कोई पराया है क्या? ये? बे बाबा खान बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी। हाँ कह रहे थे कि छोकरा बहुत होशियार है, बहुत आगे जाएगा। ने तू बे, तू कंपनी छोड़ के जाने की बात कर रहे ले? बे बे कुछ समझदारी की तो बात कर, यहाँ पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 6 महीने में लोखंडवाड़ा में तेरा खुद का घर होगा। बे मुंबई पे राज करेगा राज, मैं उन्हें तेरे साथ ने सब बात करने का, कंपनी छोड़ के जाने का बात नहीं करने का। ये सब तो ठीक है, पर मैं आपा की बात को ठुकरा भी नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं। ये पैसा चाहिए ना, आपा का निकाह कराएगा तो पैसा नहीं चाहिए क्या? मोहसिन भाई देखो टीवी में क्या आ रहा है, क्या हुआ? फरीदा आपा है। फरीदा आपा? फरीदा आपा? बड़े बड़े होटल्स में मासूम सी दिखने वाली लड़कियां क्या ऐसा कर सकती हैं? ये हम आपको स्टिंग ऑपरेशन के जरिए क्या हुआ क्या? चैनल एक्स के स्टिंग ऑपरेशन में फरीदा आपा, जिसमें फरोशी के धंधे में हम आपको एक बार और बता दें कि ये लड़की होटल स्टार इनसे पकड़ी गई है, जिसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमें अपना नाम बताइए, कैमरे की तरफ देखकर हमें अपना नाम बताइए। कैसे कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है? कैमरे की तरफ देखकर हमें अपना नाम बताइए, बताइए अपना नाम। जाने दीजिए मुझे। कब से धंधा कर रही हैं आप? कितना पैसा मिलता है आपको? पकड़े जाने पर सभी लड़कियां यही बोलती हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हम बेकसूर हैं। चैनल वाले लीजिए लड़की को पकड़ा, कहाँ है वो? सर कोई लेके गया सर उसे। कहाँ ले गया उसे? अरे मोहसिन भाई अभी तो हट। What are you doing? Oh मिस्टर, don't hit him. उनको पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। नाम क्या है? फरीदा उस्मान छत्रीवाला। छत्रीवाला स्टार इन होटल वाली? इसको तो छोड़ दिया है। मेरी आपा बेगुनाह है, इसीलिए तो छोड़ दिया है। निर्दोष को बदनाम करते हो। निर्दोष तो हम है, पहले नेता दौड़ाते थे, कभी कभी अभी नेता, अब इन चैनल वालों ने दौड़ाना चालू कर दिया है। करे तो क्या करें, इतने स्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं कि हम तक को नहीं छोड़ा। अरे जो कुछ करना है चैनल एक्स वालों को करो, समझा ना, हम लोग तो बेगुनाह है। तेरी आपा घर पहुंच गई, जा चल जा यहां से। देख लूंगा तुमको और उन चैनल वालों को भी। तेरे भाई के न्यूज चैनल की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या की। क्या जानना चाहती हो कैसे? जानना चाहती हो? अपना दुपट्टा गले में डालकर पंखे से लटक कर आत्महत्या की उसने।
वो देखो। जल्दी उतार। मैं फरीदा उस्मान छतरी वाला चैनल एक्स के हाथों हुए अपनी बदनामी और बेइज्जती न सह पाने के कारण आत्महत्या कर रही हूँ। मोहसिन मेरे भाई, अम्मी अब्बू से किया हुआ वादा मैं ना निभा सकी, तुझे इस बेरहम जमाने में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। मैं उन चैनल वालों को नहीं छोड़ूंगा। आपा, मुझे आपकी कसम मोहसिन, मैं उन चैनल वालों को मार डालूंगा। मोहसिन, उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ए, क्या जा रहा है तू? नहीं भाई, छोड़ दो मुझे। मैं उन चैनल वालों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा। क्या जा रहा है? मारने जा रहा है या मरने जा रहा है? क्या कर रहा है तू? होश है? सुन, मैं समझता हूँ तेरे जज्बात को, सब समझता हूँ, लेकिन लेकिन ये चैनल वाले कोई आलतू फालतू लोग नहीं है कि किसी के भी ऊपर हाथ डाल दिया। और अपने सरकार भी यहाँ नहीं है, अपने आदमी भी नहीं है, इसलिए सब प्रकार समझा। हाँ, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, बाबा खान को बोलकर हम इसका बदला लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन लेकिन बेटा, ये वक्त सब्र का है, गुस्से का नहीं। सब्र कर जा, सब्र कर। मेरी बहन का, हाँ, वो तो नौकरी की खातिर इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तभी तुम्हारे भाई के किसी न्यूज रिपोर्टर ने उसका स्टिंग ऑपरेशन करके उसे वैश्य करार कर दिया। उसने आत्महत्या की, आत्महत्या की उसने। तभी मैंने कसम ली कि तुम्हारे भाई और उसके चैनल को उड़ा दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने तुम्हारे भाई के बारे में जानकारी हासिल की, तब मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हारे नजदीक आने के लिए तुम्हारे दोस्तों का सहारा लिया, फिर हमारी मुलाकात एक पार्टी में हुई। मैंने पहले तुम्हारा विश्वास जीता, फिर प्यार का इजहार किया। प्यार का नाटक खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे सचमुच प्यार हो गया। अब मैं मजबूर हूं, तुम सबको मरना पड़ेगा। नहीं। चुप। देशमुख साहब, इसके बड़े भाई आ गए, आप इनको संभालिए, मैं उन्हें देखता हूं। सबको मार डाला, सबको खत्म कर दिया। ऑस्टिन के साथ चुप चुप। Go!
रिपोर्ट। हम दर्शकों को बता दें कि खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा खान और उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले मूसा का पर्दाफाश करने की मुहिम जो चैनल एक्स ने छेड़ी थी वो आज आखिरकार सफल हो गई। आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। चैनल एक्स को ये एक्सक्लूसिव क्लिपिंग मिली है और इस मुहिम में जीत भी मिली। चैनल एक्स पर आ, जब देखो वही साला रंडी रोना, मेरा क्या हो रहा है? मैं किधर रहता हूँ? ऑस्ट्रेलिया दुबई किधर रहता हूँ? मेरे भाई लोग का क्या धंधा है? ये सब कब तक खत्म होगा? कब तक खत्म होगा? समझाओ अपनी भाषा में। समझा तू मैं क्या बोल रहा हूँ मूसा? तेरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में तू अपनी बहन को अपने धंधे को भूल तो नहीं गया? भूल गया मूसा? क्या किया था चैनल एक्स वालों ने तेरी बहन के साथ? ना मेरी बात सुन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं भूला। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नेहा से मैंने प्यार सिर्फ और सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए किया है। अगर मैं चैनल एक्स के सीईओ का होने वाला दामाद नहीं होता तो इतनी आसानी से मैं चैनल एक्स के न्यूज वैन में अपना माल यहाँ से वहां नहीं कर पाता। भाईजान आप समझ रहे हैं ना? अच्छा चल ये बता, तो चैनल एक्स वाले का एक्स वाई जेड कब करेगा? भाईजान मैं 2-3 हफ्तों में उनका फुल एंड फाइनल कर दूंगा। अच्छा, फिरोज भाई और देशमुख भी मेरे साथ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस रूम में 3 शख्स मौजूद हैं। पहला है अंडरवर्ल्ड का सरगना जिसे सभी भाईजान के नाम से जानते हैं। दूसरा है इंस्पेक्टर देशमुख। बड़े अफसोस की बात है कि अपने आप को कानून का रक्षक कहने वाले वर्दी खोर भी जुर्म की दुनिया से इस कदर जुड़े हुए हैं। लेकिन इस दृश्य में सबसे चौंकाने वाली बात है इस कमरे में इस तीसरे शख्स का पाए जाना। जी हाँ, ये 23-24 साल का मासूम सा दिखने वाला लड़का दरअसल मूसा है। ये जो शख्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मूसा उर्फ मोहसिन खान उर्फ रोहन। मूसा पिछले 4 साल से रोहन नाम से रहता आ रहा है। वही मूसा जो अंडरवर्ल्ड के बाबा खान का खास आदमी माना जाता है। ये शख्स काफी खतरनाक है। ध्यान से देखिए, उसका नाम मूसा और मोहसिन खान और रोहन। जीवन
जीवन की हर बात।